फिर से रूम की ओर। जम्मू में मौसम कैसा है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद और दुआ है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ लेह एयरपोर्ट पे। सो मुझे जाना है जम्मू, बने रहिए। सो मेरी फ्लाइट है 9 बजे, मैं पहुंच गई एयरपोर्ट 7:30। एंड एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, मेरे घर वालों को नहीं, मेरी अम्मी को हु इज़ इन जम्मू, उनको नहीं मालूम कि मैं जम्मू आ रही हूँ। सो इट्स गोना बी अ सरप्राइज फॉर माय मॉम, सो स्टे ट्यून्ड। तो इस वक्त मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ, अभी टाइम है फ्लाइट को तो बैठी हूँ। एंड मैं सारे खाने की चीज़ें जिसमें पिस्ताशियो, पिस्ता जिसे कहते हैं वो, एंड ड्राई एप्पल्स है। सो मैं 2 घंटे पहले आ गई हूँ तो भूख तो लगेगी, इसलिए फुल प्रिपरेशन के साथ आई हूँ। मेरे बैग में चॉकलेट्स है, ड्राई एप्पल्स है, पिस्ता है वगैरह वगैरह, तो वो हम खाएंगे। सो मैं बैठ गई हूँ प्लेन में। सो मेरा सीट नंबर था 4A, दैट्स व्हाई आई गॉट दिस विंडो सीट। एंड अभी टेक ऑफ के लिए समय है, तो थोड़ा आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। सो ये रहा कुशोक बकुला रिंपोचे एयरपोर्ट ले। अब प्लेन टेक ऑफ हो रखा है, तो आप ये ब्यूटीफुल व्यू देख लीजिए। पहाड़ों की चोटियों में बर्फ़ है, बाकी प्लेन्स या नीचे बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट पहाड़ों में भी ना के बराबर है, लेकिन आगे आगे जब हम नून कून पीक्स वगैरह की ओर पहुंचेंगे तब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी। स्टे ट्यून्ड। सो देयर यू कैन सी वाइट कारपेट, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। That's the beauty of Ladakh. Isn't it beautiful? इसके बाद हम कुछ ही समय में जम्मू पहुँच जाएंगे। So there you can see जम्मू, and प्लेन से जम्मू भी एक स्लोपी एरिया में दिख रहा है, लाइक स्लोप में है जैसे, ऐसा लग रहा है। मेरे को तो लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं, प्लेन थोड़ा टेढ़ा है कि जम्मू ऐसा ही है। इट सीम्स लिल यू नो स्लोपी, इजेंट इट। सो ये देख लीजिए जम्मू। अभी हम वाइट पहाड़ों के दामन से पहुंच गए सीधे ग्रीन प्लेन एरिया यानी जम्मू में। सो अभी लैंडिंग होने जा रहे कुछ ही सेकंड्स में। सो हियर वी गो। ये मैं सबसे पहले बाहर क्यों निकली, क्योंकि मेरा सीट यू नो एग्ज़िट के पास में ही था 4A पे, तो दैट्स वाई। सेकंडली मेरे साथ एक ही हैंडबैग था जिसे मैंने अपने बगल वाले सीट पे रखा था, क्योंकि वो सीट्स खाली थे, तो मैं एकदम उठा के आ गई। सो ये रहा एयरपोर्ट का इंटीरियर व्यू, बहुत ही खूबसूरत है। एंड कोई भी नहीं है, सुना लाइक मुझे लग रहा है मैंने ही शुभ कदम रखा है आज के दिन सबसे पहले। तो हम बढ़ रहे हैं Belt 1 की ओर, क्योंकि वहाँ पे हमारे लगेजेस आ जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज़ बेल्ट नंबर 1। सो हियर आई विल बी वेटिंग फॉर माई लगेज टू अराइव सो दैट आई कुड टेक माई लगेज एंड एग्जिट माई सेल्फ फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो चलिए यहाँ बैठते हैं। सो हम वेट कर रहे हैं अपने लगेज का, मैं खुद ही बैठी हूँ इस पर ट्रॉली पे। ये बेल्ट घूमना शुरू हो गया है, अभी तक कोई सामान नहीं आया।
और यहाँ पे हम भी बैठे हैं, झूल रहे हैं झूला। लगेज उस तरफ सारे, लेकिन मैं इस तरफ बैठी हूँ। मेरा एक ही लगेज है एंड मुझे इस ट्रॉली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैठने वास्ते मैंने ये ट्रॉली यूज़ करा है। यार बहुत टाइम लग रहा है लगेज आने में, मसला क्या है? अब आएगा इस बार। तो अभी मैं अपने लगेज का वेट कर रही हूँ बाहर, मेरा भाई पिकअप के लिए आ रखा है। मैं को उनको कॉल करना था लेकिन उन्हीं की वजह से कॉल आया एंड ही इज वेटिंग आउटसाइड। एंड इसके बाद अम्मी को सरप्राइज देने जा रहे हैं। ये सो अभी मेरा लगेज आ गया है, मैं जा रही हूँ बाहर एग्जिट की ओर। सो अभी यहाँ पे वैक्सीन का चेक कर रहे थे, सो मैंने अपना वो मैसेज दिखा दिया जिसमें मैंने दोनों डोसेस ले रखी है एंड अभी जा रही हूँ बाहर। अस्सलाम वालेकुम सदर, माय ब्रदर इज सिगरा यहाँ ठीक यहाँ अच्छा। तो फाइनली भी जम्मू अमर जा रहे हैं स्कूटी से अपने रूम की ओर। जम्मू में मौसम कैसा है? अभी हम न्यू प्लॉट की ओर जा रहे हैं मेरे भाई की स्कूटी पे, क्योंकि हमारा रूम वहीं पे है न्यू प्लॉट में। तो चंद ही मिनटों में हम सरप्राइज़ देने जा रहे हैं अपनी अम्मी को। आई डोंट नो हाउ शी वुड रिएक्ट बट लेट्स सी। अब हम चढ़ रहे हैं सीढ़ी से अपने रूम की ओर एंड व्हाट नेक्स्ट यू नो वेल। अस्सलाम वालेकुम एना नजान, ठीक है ता मेरा मोबाइल कौन सा छुपा हाथ में ओए कत्ता है छुपा है अरे मेरा सिम खर्च आप ही देते नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, ठीक है ता यार इस वक्त हम है सरवाल में एक पार्क में जिसका नाम शिवजी है, शिवाजी पार्क ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक्सरसाइज एंड हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए कुछ चीज़ें रखी है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक एल्बो एक्सरसाइज के लिए एंड हिप एंड बूट्स एंड जॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लद्दाखी है, एजुकेशन
an uncle, an auntie, and many more aunties were there. So if you are in Jammu, you must visit this park. So अभी मैं अपने रूम के छत पे हूँ एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट जम्मू जो कि मुझे लगता है यहाँ के रूफ टॉप्स है। यहाँ बैठ के आप सनसेट का व्यू देख सकते हैं, बाकी मार्केट वगैरह वगैरह, दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड इस वक्त मैं हूँ न्यू प्लाट में, सोसाम में से न्यू प्लाट मार्केट है। एंड यहाँ पे एक मंदिर भी है। वैसे जम्मू को सिटी ऑफ टेंपल्स भी कहा जाता है, यहाँ पे हर एक नुक्कड़ पे आपको मंदिर मिलेंगे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिटी ऑफ टेंपल्स। इस वक्त हम जा रहे हैं अपनी अम्मी के साथ, बहन के यहाँ, बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम। सो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम मिले अपनी बहन से, अपनी माँ से, वगैरह वगैरह। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़। Yeah bro, emi ba lo. Story all on me today, call me ba yo. I'm a Yoruba, I'm a Yoruba, I'm a Yoruba, baby, I'm a Yoruba. Baby Gojo, say me I need you Gojo. Thank you.